أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे दुनिया में सबसे ज़्यादा GDP वाले ममालिक के बारे में, जिसमें सर फहरस्त टॉप 5 पर आज हम बहस करेंगे। और इन में सर फहरस्त जो है ना वो है अमेरिका, जिसकी कुल GDP तकरीबन 20.67 ट्रिलियन के करीब है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और पाकिस्तान तो इससे बहुत ही पीछे है। इसके लिहाज से अगर देखा जाए जो सबसे माशी और मजबूत मुल्क जो है ना अमेरिका है, और इसके साथ साथ इसके मुकाबले में दूसरे नंबर पर है चाइना, जो कि तकरीबन 18.52 ट्रिलियन के करीब इसकी माशी इस्तेहकाम है और माशी सरगर्मियाँ है। लेकिन अब चाइना जो कि पाकिस्तान में एक सीफेक रोड बना रहा है, जिसे वन बेल्ट वन रोड का नाम दिया गया है, ये चाइना से शुरू होकर तकरीबन यूरोप से जाकर मिलता है। चाइना का असल मकसद ये है कि अपने अशियाएँ ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक को फरोख्त करके अपने माशी हालत को बेहतर बना सके, जिसमें ये रोड ज़्यादातर पाकिस्तान से गुजर हुआ है, तो पाकिस्तान के माशी हालात के लिए भी ये इंतहाई अहम है। लेकिन हमारे ज़्यादातर सियासतदान इसको सियासी नज़र से देखते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे मुल्क को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तीसरे नंबर पर इसमें आता है जापान, और चौथे नंबर पर इसमें आता है जापान की कुल GDP जो है ना वो तकरीबन 5.01 ट्रिलियन है। इसके बाद आता है जर्मनी, जिसकी कुल GDP 3.85 ट्रिलियन है। और इसके बाद पांचवें नंबर पर हमारे साथ आता है यूनाइटेड किंगडम, जिसकी कुल GDP है 2.01 ट्रिलियन। और इसके बाद छठे नंबर पर हमारे साथ आता है पड़ोसी मुल्क भारत, जिसकी कुल GDP है 2.66 ट्रिलियन। इसके बाद नंबर आता है फ्रांस का, और फिर इटली का। तो हमारा पाकिस्तान जो है ना वो काफ़ी इसमें जो है ना दूर है, और हमारा पड़ोसी ममालिक भारत चूँकि काफ़ी खासी तरक्की कर रहा है, जिसकी वजह से वो टॉप 10 GDP वाले ममालिक में सर फहरस्त आ चुका है, जिसमें वो तकरीबन छठे नंबर या सातवें नंबर पर मौजूद है। किसी मुल्क की GDP उस मुल्क की दरामदात और बरामदात पर ज़्यादा इन्हिसार करती है, यानी आप जितने चीज़ें बाहर बेचते हैं आपकी GDP उतनी ही स्ट्रांग होती है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है ना इस वक्त जो बरामदात करता है वो है चाइना, जो कि माशी तौर पर बहुत ही मजबूत और मस्तहकम हो चुकी है, और उसे आज यानी आने मुस्तकबिल का सुपर पावर तसव्वुर किया जाता है, जो अमेरिका के माशी ताकत को टक्कर देने के काबिल है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितने दूर हो चुके हैं। पाकिस्तानी मईशत को इस वक्त अपने पाँव पे खड़ा होने की बहुत ज़रूरी है। हमारे हुक्मरानों को चोरी और करप्शन ख़त्म करना होगी, तभी हमारा मुल्क सुधरेगा। अगर ऐसा ही हाल रहा तो हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के बहुत ही करीब है। हाल ही में डॉलर ने तकरीबन 7 रुपये और इजाफा किया है, जिसकी वजह से हमारे रुपये की कदर काफ़ी और भी नीचे आ गई है। रुपये की कदर की में कमी की वजह से हमारे डिफिसिट्स और हमारे डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और इसके साथ साथ हमारे मुल्क पर बैरूनी कर्ज़े और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क और बाकी सारी दुनिया जो है ना हम जिसके साथ भी ट्रेड करते हैं तो हम डॉलर्स में करते हैं, तो जिस
लिहाजा डॉलर्स की कदर बढ़ेगी तो इस लिहाज से हमारे मुल्क पर कर्ज़ा और भी बढ़ेगा, लिहाजा हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इसके लिए मुनासिब बंदोबस्त कर सके। अल्लाह हमारे मुल्क को कायम व दायम रखे और इसे ता क़यामत आबाद रखे और हम पर ऐसे इंसाफ पसंद हुक्मरान मुसल्लत करे जैसे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु थे, और इसके साथ साथ हमारे दीनी और दुनियावी ज़िंदगी को भी अल्लाह ताला बेहतर बना सके। ज़्यादातर इन हुक्मरानों को लाने में हमारा ही अमाल नामा है, क्योंकि हम जैसे हमारे अमाल होंगे वैसे ही हमारे हुक्मरान होंगे। हम किसी भी उस शख्स को कड़ा नहीं होने देते या उसे वोट नहीं देते जो कि सच्चा होता है और सच्चे दिल से कौम की खिदमत करना चाहता है। एक इमरान खान जो निडर हुक्मरान था वो कड़ा हुआ, लेकिन उसे भी फ़ौज ने बरतरफ कर दिया। हमारे मुल्क, हमारे आर्मी, हमारे सब सियासतदानों से ये अपील है कि खुदारा हमारे मुल्क का ख्याल रखे और इसे ऐसे ही तबाह ना करे। हमारा मुल्क 1947 से लेकर आज़ादी के बाद तकरीबन 1960, 1962 तक खासी तरक्की कर रहा था और उसे उस वक्त सब दुनिया वाले एशिया का सुपर पावर समझते थे, लेकिन उसके बाद हमारे हालात फ़कीरों जैसे हो गए हैं। हम दिन ब दिन बदतर से बदतर होते जा रहे, ज़िंदगी मफलूज हो गई है, माशी हालत बहुत ही बुरी तरह से फंस चुकी है और ख़त्म हो चुकी है। हम किसी को बाहर मुल्क वालों को ये नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि वो हमें चोर समझते हैं, दहशतगर्द समझते हैं। हमारे अपने हुक्मरानों की वजह से हमारे मुल्क का मायार और हमारे मुल्क का नाम इतना गिर गया है कि हम किसी को ये नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि वो उन लोगों का भरोसा पाकिस्तान पर से उठ गया है। यहाँ पर करप्शन, दहशतगर्दी, नाइंसाफ़ी जैसी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इसमें एक अहम काम और अहम हाथ मीडिया का भी है, जो कि हमारे हमपल्ला लोगों के जो इकदामात होते उसे उछाल कर दुनिया को दिखा देते थे कि आया पाकिस्तान में ये हुआ, पाकिस्तान में वो हुआ, पाकिस्तान में ये हुआ, जिसकी वजह से दुनिया में हमारा इमेज बहुत ही ख़राब फैलता जा रहा है। हर मुल्क के लोग हमें शक की निगाह से देखते हैं, छोरों की निगाह से देखते हैं, दहशतगर्दों की निगाह से देखते हैं। माशी हालत जितनी हमारे मुल्क की मुस्तहकम होगी, मज़बूत होगी, हम उतने ही मजबूत होंगे। हम अपने फ़ैसले खुद करेंगे, अपने फ़ैसले खुद दूसरों से भी मनवाएंगे। कोई खुददार मुल्क तब खुददार होता है जब वो अपने फ़ैसले खुद करता है। हमारे पड़ोसी ममालिक जैसे इंडिया है, भारत, उसे देखिए, हमें उससे सीखना चाहिए कि वो कैसे दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, कैसे वो अपने माशी हालात को बेहतर बनाने के लिए बेहतर पॉलिसियाँ तरतीब देता है। इसकी एक अहम मिसाल हाल ही में होने वाले रूस के साथ उसके तेल और ज़रात के माहदे है, जिसने अमेरिका की बिल्कुल भी फरवाह नहीं की और अपने मुल्क की मफाद को बेहतर बनाने के लिए और अपने मुल्क के अवाम को सहूलत देने के लिए रूस से मुआहदे कर लिए। भारत चूँकि पहले ही से रूस का इत्तेहादी रह चुका है, लेकिन फिर भी अमेरिका जैसे सुपर पावर को टक्कर देने के काबिल भारत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन भारत ने फिर भी उसकी परवाह ना की और अपने मुल्क के अवाम और अपने मुल्क के बका के लिए उसने रूस के साथ ये मुआहदे कर लिए, क्योंकि वो एक खुददार मुल्क है, उस पर इतने ज़्यादा कर्जे नहीं है जितने पाकिस्तान पर है। भारत में इस वक्त डॉलर की कीमत तकरीबन 76 रुपये और तकरीबन 30 पैसे है, और हमारे मुल्क में इस वक्त डॉलर की जो उड़ान है वो है तकरीबन 215 रुपये। तो आप फ़र्क इधर से देखिए कि कितना हमारे और भारत के दरमियान डॉलर की कदर हो में फ़र्क है। इसी वजह से हमारे माशी हालात भारत से काफ़ी पीछे है। भारत माशी हालत में तकरीबन 5वें-6वें नंबर पे आता है और हमारा मुल्क काफ़ी पीछे है। हमारे मुल्क में करप्शन की नासूर ने हमारे इदारों को और हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। इसमें ज़्यादातर अहम हाथ ब्यूरोक्रेट्स का भी है, ज़्यादातर हाथ
इन ब्यूरोक्रेट्स का भी है, और इन ब्यूरोक्रेट्स को मैं इसकी निशाना बना रहा हूँ, क्योंकि इन ही ब्यूरोक्रेट्स की वजह से ये लोग करप्शन करते हैं। हमारे ऑफिसर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स जो कि करप्ट है, इसी वजह से हमारे यहाँ ज़्यादातर चोरियाँ हो रही हैं। अगर वो सही तरीके से काम करेंगे तो पीछे यानी नीचे जो उसका अमला होगा वो भी सही तरीके से काम करेंगे। मेरे पाकिस्तान के तमाम ब्यूरोक्रेट्स, खुसूसन जो बड़े बड़े ऑफिसर से, आर्मी जनरल से, सबसे ये अपील है कि खुदारा हमारे पाकिस्तान को इस माशी दलदल से बचाइए और इसे निकाल लीजिए, और जितनी भी करप्शन हो रही है उन करप्शन को रोकिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।